हाँ जी, मान लो, ठीक है सर। प्रेजेंट इज एक्स है, तो 7 इयर्स अगो या 9 ईयर हेंस, अभी एक्स है, जल्दी से बताओ, 7 वर्ष पहले, एक्स माइनस एक्स सेवन माइनस सर, सेवन एक्स नाइन माइनस ईयर सेवन, हेंस एक्स प्लस नाइन, प्लस प्लस सेवन, ये 15 है, जल्दी बताओ ये क्या होगा, सर एट। चलो फंसाने वाला नहीं देते अभी, ये 25 है, 9 वर्ष बाद 25, तो सोच लो 9 वर्ष बाद सेवन 25, सर, हमेशा सेवन। आपको प्रेजेंट पहले आना है, चाहे आपको ये दिया रहा है या वो ये दिया रहा है, कभी नहीं फंसोगे, अगर प्रेजेंट आ जाओ 9 वर्ष बाद हम 25 के होंगे, मतलब आज हमारा एज 16 है, तो यहाँ 16 लिखा जी दो, सर, सात जाएगा और भी आठ, 7 वर्ष नौ, पहले, तो नाइन, 16 में से 7 घटा दो, नाइन, नाइन सर, नाइन, अगर ये 23 है तो ये क्या होगा और ये क्या होगा, 30 होगा सर वो। 23 नो सर, आज ट्वेंटी है, थ्री पहले का पूछ रहा है, सर, बाद का पूछ सिक्सटीन, रहा है, 16, बाद सिक्सटीन का होगा, 16 प्लस 9 25, पहले का 16 होगा और उसका 29 है। यहां पे 28 है, यहां क्या होगा और यहां क्या होगा, सर प्रेजेंट 21 और 9 इयर्स 30 हो ये 7 वर्ष पहले सर, का है, प्रेजेंट 35 37 होगा सर। ये 7 वर्ष पहले है, तो आज प्रेजेंट हम 35 पहले, होगा, जब प्रेजेंट हमको 35 हो ये जाएगा, उस समय 28, 30 होगा सर, 30, नहीं आज मेरा सर, 35, 35 सर, और 9 ईयर हेंस हो जाएगा 44 सर। तो 9 35 प्लस 9, तो ये सब थोड़ा सा आज घर में ये देखना, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मोहन वर्मा सर क्लास रिकॉर्ड कर लीजिएगा, मैं ट्रेन में हूँ, सर दिख नहीं रहा है, मुझे ही नहीं दिख रहा है, किसी को सबको दिख रहा है, हो नहीं दिख रहा सकता है, है, दिख रहा है सर, दिख क्वेश्चन दिख रहा है, रहा आप देखो और अच्छे से दिख रहा होगा, सर। हाँ सर, हाँ सर, ये सर दिख रहा है। पढ़िए क्वेश्चन, एज ऑफ आरजू एंड अर्नव आर इन रेशियो 11:30, जब भी रेशियो रहेगा ना, आर, आर मीन्स है मीन्स प्रेजेंट, कौन कौन है, आरजू है और दूसरा नाम किसका है, अर्नव है, आरजू का एज क्या है 11x, अर्नव का एज क्या है 13x, 11 13 है, यानी एक 11x दूसरा 13x, और प्रेजेंट है, मैंने क्या बताया, प्रेजेंट पहले कर लो, किसी भी तरह का एज हो, कभी कभी आप उसको प्रेजेंट बनाओ, रास्ता आसान होगा, आफ्टर 7 ईयर, ये प्रेजेंट है, तो 7 वर्ष बाद लिखने का जरूरत भी नहीं, एक काम करो, या ये जो हम लिखते कि लेट द एज बी प्रेजेंट एज ऑफ आरजू बी 11x और अर्नव का 13x, नहीं लिखेंगे, आरजू का प्रेजेंट 11x, सर्किल कर दो ना, मतलब प्रेजेंट है, एक माइंड में डालो कि बहुत सारी बातें क्यों लिखेंगे, सर्किल किया मतलब वो प्रेजेंट है, तो आरजू का प्रेजेंट 11x, अब आगे पढ़ो, आफ्टर 7 ईयर, 7 वर्ष बाद, बाद में तो एज हमारा ज्यादा होगा, +7, तो अर्नव का भी +7, रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 20/23, हमको बस यही सीखना है, अगर आपको किसी का प्रेजेंट कह रहा, उनके बीच अंतर पूछ रहा, तो उनके एज का, यानी क्वेश्चन ये कह रहा है जी कि 13x-11x क्या होगा, मतलब 2x क्या होगा, तो इससे आपको तो सर, x फाइंड करना ही पड़ेगा, जी सर,
यस एक्स आया है 3 और ये आएगा थ्री डिस्टेंस 6। हाँ टू कैन सिक्स इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स निकालोगे, एक्स कितना आया? थ्री आएगा सर। थ्री। तो डिफरेंस पूछ रहा है क्वेश्चन में कि डिफरेंस क्या होगा, तो 2 × 3 36 ईयर्स। यानी हम लोग को देखना है कि प्रेजेंट गिवन है कि पहले का गिवन है कि बाद का। प्रेजेंट नहीं है तो उसको प्रेजेंट बना लो, और यहां तो प्रेजेंट था, आर लगाओ इज लगाओ मतलब प्रेजेंट है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन आर इन रेशियो 5:1। अच्छा ये भी प्रेजेंट ही है। कौन कौन है? फादर है और सन है। देखो एकदम हम लोग बेसिक लेवल से चल रहे, एकदम जीरो लेवल से चल रहा है, जीरो लेवल का क्वेश्चन है। धीरे धीरे यानी माइंड में यही डालो कि हमारा मैथ्स बहुत वीक भी है तो अब अच्छा हो जाएगा। इससे नीचे नहीं कुछ होता है, ये एकदम सर नीचे से चल रहा है फ्रॉम वेरी बिगनिंग। तो फादर है 5x और सर है 1x। 7 वर्ष बाद ये भी कर रहा है, तो चलो एक काम करते हैं, आदत बना लेते हैं कि सर्किल करेंगे, मतलब ये प्रेजेंट है और 7 वर्ष बाद यहाँ भी +7 और यहाँ भी +7। ऐसा नहीं है कि फादर 7 वर्ष बाद बड़े हो जाएंगे तो फादर में +7 और सन को छोड़े रहेंगे, 7 वर्ष बाद तो दोनों बढ़ेंगे ना, तो बराबर रेशियो 3:1। एक चीज और ध्यान देना, कई बार हम लोग लिखने में उल्टा उल्टा हो जाता है, तो देखना फादर बड़े हैं तो फादर के सामने देखो यह फादर लिखा हुआ है, तो फादर के सामने 3 लिखा और सन के सामने 1, यानी बड़ा के सामने बड़ा छोटा के सामने छोटा। कई बार ऐसे रहता है कि रेशियो दे देता है 1:3, यहां तो मैंने सीधा सीधा दिया। अगर रहता कि रेशियो ऑफ सन एंड फादर 1:3 तो आप घबराने लोगे या क्वेश्चन को बार बार पढ़ोगे, कुछ नहीं करना है। जो बड़ा है वो वही बड़ा है ना, और फादर तो ऑब्वियस है कि बड़े होंगे, सन छोटा होगा तो बड़े के सामने बड़ा और छोटे के सामने छोटा, बाकी तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और आपको एक्स मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? सेवन। कितना आया? सेवन। तो क्वेश्चन करा वर्तमान में पुत्र, यानी सन का एज पूछ रहा है, सन तो 1x है, डेट इज 1 × 7 है, यानी 7 ही होगा ना। अगर कहता नहीं 4 वर्ष बाद सन, क्या करते? जोड़ देते सर, 4 ऐड कर देते सर। अगर 10 वर्ष पहले सन तो क्या करते? प्लानिंग हो रही थी कर देंगे, माइनस हो जाता सर, तो था ही नहीं। चलो ओके अगला क्वेश्चन। मोहन एंड सोहन आर 35 and 40 ईयर्स रेस्पेक्टिवली। दो पर्सन, एक मोहन और दूसरा सोहन। अब बताओ मोहन का एज क्या दिया हुआ है? 35। सोहन का एज क्या दिया हुआ है? 40। कितने वर्ष बाद? बाद बाद यानी यानी ये प्रेजेंट है। चलो वो आदत कभी मत छोड़ना कि लिखना नहीं पड़ेगा, नहीं तो 2 लाइन में भी लिखना होगा, नहीं तो क्वेश्चन बनाने के बाद फिर से आना पड़ेगा। हम लोग प्रेजेंट को क्या माने थे? यहां तो प्रेजेंट सर्कल किया हुआ है, तो आफ्टर कितने वर्ष बाद? मान लो 1 वर्ष बाद। बाद बाद में ज्यादा होगा +x और रेशियो 9:10। थोड़ा सा केवल ये मिला लेंगे, अच्छा ये छोटा है तो छोटा, बड़ा है तो बड़ा, सही। क्या मिलाना पड़ा? कि बड़े के सामने बड़ा और छोटे के सामने छोटा, हो गया। इसमें सॉल्व किया, एक्स कितना है जी? 10। अरे यहाँ तो कितना आसान है ना, कट जाएगा 5 7 जा 5 8 जा, कट दो, अब तो छोटा हो गया। नो सेट करके काटेंगे तो आ जाएगा रेशियो। नहीं यहाँ तो 5 7 या 5 8 या कट गया ना सर, वहाँ काट नहीं सकते ना सर, उसमें एडिंग है तो काटेंगे कैसे? प्लस माइनस बीच में हो तो काटते नहीं है। 35 प्लस एक्स
तो ये गलती मेरे जैसा आप लोग मत करना, वो मिस्टेक मेरे से होने दो, आप मत करना। सॉल्व किया, कितना आया एक्स? 10। देख लेते हैं, चेक भी कुछ लोग कर सकते हैं कि सर रुकिए तो हम चेक करके देखते हैं। 35 में 10 जोड़ देते हैं 45, और 40 में 10 ऐड कर देते हैं 50। 5 से ये 9 बार में, 5 से 10। हाँ सर सही है, कॉन्फिडेंस आता है चेक करते हैं तो। अगला क्वेश्चन 4 पढ़िए। एज ऑफ फादर इज 3 टाइम्स एज ऑफ हिज सन। एज ऑफ फादर इज कह रहा है यानी प्रेजेंट ही है, तो फादर और सन, और सन का 3 गुना फादर है, तो सन अगर एक्स, फादर 4x। ये है, अच्छा है तो सर्किल कर देते हैं। 48। 4 ईयर हेंस, 4 वर्ष बाद। लो यहां भी प्लस 4, यहां भी प्लस 4, और रेशियो था 13/5। 48 सर। यस सर, एक्स का वैल्यू 16। क्रॉस मल्टीप्लाई करने आता है, एक्स आया कितना? 16। कर वर्तमान में पिता के उम्र बता, एक्स 16 आया। यस सर। ओके, तो फादर का एज क्या होगा? 48। अच्छा ये तिगुनी था, नहीं मैं वही देख रहा हूँ। हाँ तिगुनी है, तो 16 3 जा यानी 3x, दैट इज 48। वेरी गुड। कोई प्रॉब्लम नहीं है शिखा, समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर आ रहा है, आ रहा है सर। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि अच्छे से आ रहा है? अच्छे से आ रहा है, लेकिन सर मैं थोड़ा वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में अटकती हूँ सर, वो सर एक बार थोड़ा। पता नहीं तुम्हारी आवाज मेरे तक अच्छे से नहीं आ रही है सर, धीरे बोल रहे हैं क्या? अब ठीक है सर? हाँ बोलो। अब ठीक है सर, समझ में आ रहा है सर, लेकिन छोटी छोटी जो दिक्कतें होती है जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वो हम नहीं कर पाए, वहां पे हम अटक गए। अच्छा अभी आप लोग को करना नहीं है, बस उतना ही नोट करना, ठीक है? वो धीरे 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 इम्प्रूव होगा, आपको वो करना होगा। ओके सर। आपके पास तो प्लस है कि हमारा इंग्लिश भी बहुत अच्छा है। किसका? मेरा सर। हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 5। टोटल एज ऑफ ए एंड बी 12 इयर्स मोर देन दैट ऑफ टोटल एज ऑफ बी एंड सी। ए और बी का टोटल 12, बी और सी के टोटल से कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है। ए और बी का टोटल बी और सी के टोटल से, तो ए प्लस बी में से बी प्लस सी अगर घटा दो देते हो तो बी भी कट गया, यानी ए सी से 12 वर्ष। 12 कुछ करने ही नहीं था, ये तो क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है कि ए प्लस बी जो है 12 ज्यादा है किससे? बी प्लस सी से, यानी a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 12। बाकी कुछ नहीं निकल सकता, हम लोग का निकला कि a और c का डिफरेंस कितना? 12 इयर्स। तो a की उम्र c से कितना अधिक है? 12 वर्ष अधिक है। और कुछ लोग तो ऐसे ही सोचा, अच्छा a b bc से, तो b भी तो कट गया a c से, यानी धीरे धीरे हम अगर सोचना शुरू करेंगे तो पेन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन, एज ऑफ फादर 8 इयर्स अगो वॉज 5 टाइम्स। 8 इयर्स अगो फादर और सन 8 वर्ष पहले 5 गुनी थी। सन अगर एक्स तो फादर 5x। 58 सर। 48। 8 वर्ष पहले
पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थे, ये 8 साल पहले का है। तो मैंने क्या बताया आपको कि पहला काम प्रेजेंट बना लो, पहले से आज हमारा एज ज्यादा होगा तो यहाँ भी +8 और यहाँ भी +8, और प्रेजेंट बनाकर सर्किल कर दो कि एक बड़े बड़े क्वेश्चन पे जब जाएंगे तो बहुत सारा चीज नहीं लिखना पड़ेगा। ये प्रेजेंट हो गया। अच्छा वर्तमान में ही पिता की आयु पुत्र की 3 गुनी है, 3 गुनी है, बताओ ऊपर 3 लिखे कि नीचे 3 लिखे? नीचे सर, ऊपर सर, छोटा में हम ना। अरे बड़ा के सामने बड़ा और छोटा के सामने छोटा। जी सर, हमेशा पिता को बड़ा और छोटा कर दोगे और बेटा को बड़ा कर दोगे, बस कॉन्सेप्ट यही लेके चलेंगे। फादर बड़े हैं तो उनके सामने बड़ा लिख दो, छोटा है सर तो उसके सामने छोटा लिखो, तिगुनी है तो ठीक है 3 लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई तो x is equal to 8 सर, x 8 आया सर, 5x plus 8 बराबर 3 से गुना किया, 3x plus 8 दिया 24, ये इधर आया घट गया 2x बराबर 16, x बराबर x 8। is equal to 68 लेकिन पूछ रहा था पिता की वर्तमान, अब देखो सर्किल किया 48, था इसलिए आप आसानी से बता सकते हो कि पिता का वर्तमान क्या होगा। देखो पिता का वर्तमान क्या है, 5x plus 8 है, यानी 48 plus 8 इसीलिए मैंने सर्किल कराया था कि कहीं लिखा ही नहीं कि माना कि सन का इज एक्स, फादर का नहीं मानेंगे, आप प्रेजेंट बना करके गिर देंगे, स्टेप्स कम हो जाएगा, कैलकुलेशन फास्ट होगा, तो जैसे कुछ लोग जवाब दे रहे हैं सब जवाब दे पाएंगे, स्टेप तो यही सब लोग कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, एट प्रेजेंट द एज ऑफ फादर इज 3 टाइम द एज ऑफ हिज सन, एट प्रेजेंट है फादर और दूसरा कौन है सन, 3 टाइम्स है तो लिख देते हैं सन 1 तो फादर 3, कभी गलती से भी लिखोगे कि सन 3 और फादर 1? पिता की आयु पुत्र की 3 गुनी है, गलती से भी आप पुत्र को बड़ा नहीं कर सकते, पिता है तो वही बड़े होंगे, और ये वर्तमान है तो चलो ये 1x तो ये 3x, सर्किल कर दो क्योंकि ये वर्तमान है, क्योंकि मैंने क्या बोला पहले वर्तमान निकाल लो। अब 9 ईयर हेंस, हेंस मतलब बाद में, +9 +9 2 गुनी हो जाएगी, नींद भी आएगा तो जो बड़े हैं वही ना ऊपर लिखेंगे, लो 2:1 36 आएगा। नींद में भी सॉल्व करो तो भी बड़े के सामने बड़ा और छोटे के सामने छोटा। अच्छा ऐसा भी तो बोले थे सर आप कि जो आपको छोटा दिख रहा है उसको इक्वल करना है तो आप उसे बड़े से मल्टीप्लाई करो। हाँ ये भी हो सकता है। यस सर, वो चीज तो यहाँ गुणा कर रहे हैं, हम यहाँ तो बराबर कर रहे हैं, तो वही सर बड़ा इक्वालिटी करना है ना सर, वो फादर और सन का 3 टाइम्स है तो वहाँ पे मैं एक बार में एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ, 2 कॉन्सेप्ट एक साथ जब मैं बोलूंगा तो आप फंसने लगोगे, इसलिए 2 कॉन्सेप्ट तो मैं बोलता ही नहीं, तो मैं पढ़ाऊंगा कि आप कंफ्यूज ज्यादा होगे, वो नहीं मालूम, वो जब कभी पढ़ाए होंगे कभी क्लास में उस ढंग से तो उस ढंग से चले, मैं तो एक क्वेश्चन को 5 क्या 10-10 तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, तो हो सकता है बाद में फिर पढ़ोगे फिर तीसरे ढंग से बता देंगे। अ सिंपल कॉन्सेप्ट है ना, जो बड़ा है उसके सामने बड़ा लिखो, छोटा है तो छोटा लिखो, हो गया। कितना है जी x? 9 सर, x 9 है सर, तो 9 तो कर पिता के वर्तमान आयु का योग, देखो वर्तमान हम लोग सर्किल किए हुए हैं तो 3x plus 1x दैट इज 4x और 4x मींस 4 * 9 आंसर 36, इज इट क्लियर सचिन, समझ में आ रहा है? यस सर, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, एज ऑफ मिस्टर अनुज इज 7 टाइम्स एज ऑफ हिज सन, इज है एज ऑफ मिस्टर इज, वेरी गुड, प्रेजेंट है तो अनुज, लेकिन नीचे सन है,
सेवन टाइम्स, ठीक है ये वन एक्स, ये सेवन एक्स। हम लोग गलती से भी फादर को छोटा नहीं करेंगे, लॉजिक बढ़ाओ आप। और ये प्रेजेंट है, चलो घेर देते हैं, प्रेजेंट बनाना नहीं पड़ा। सात वर्ष बाद, बाद यानी आफ्टर यानी प्लस सेवन, बाद में तो एज ज्यादा होगा। श्वेता समझ में आ रहा है? यस सर। सात वर्ष बाद, सात ऐड कर दिया, चार गुनी हो जाएगी। तो ऐसे लिख देना एक बटा चार। नहीं सर, फोर बाय फोर बाय छोटे के सामने छोटा लिखिए। कहा कुछ करना है, जो कह रहा है हम लोग लिख दे रहे हैं। वैभव जी समझ में आ रहा है? यस सर, हो गया सेवन ईयर। एक्स आ गया सेवन, राइट सर। और प्रेजेंट पूछ रहा है वन एक्स, दैट इज सेवन। ओके अगला क्वेश्चन। A father was four times, was four times as old as eight years ago. Father, son. Four times, 1x, 4x. लेकिन ये आठ साल पहले का है, और आपका काम क्या है? वर्तमान बनाना। पहले पहले हम लोग छोटे थे, आज बड़े हैं। यानी कुछ लोग सोचते हैं ना सर पहले मतलब माइनस कर दे, नहीं पहले मतलब लॉजिक लगाओ। पहले तुम कहाँ थे? पहले आप स्कूल में थे, पहले आप छोटे थे, आज उससे ज्यादा हो गए। तो ज्यादा हो गए तो प्लस एट, यहाँ भी प्लस एट, और प्रेजेंट जैसे ही आया सर्किट किया। अब पूछ रहे ये प्रेजेंट है, वो आठ वर्ष बाद में कंफ्यूज नहीं होना। अब कह रहा है आठ वर्ष बाद, अच्छा फिर आठ वर्ष बाद एक बार और प्लस एट, प्लस एट दो गुनी रह जाएगी, बड़े तो फादर ही रहेंगे। x कितना आया? 8 आया, 8 आया। पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का योग बताना है। देखो ये मालूम है, 4 8 32 और 8, पापा का 40, और ये 8 और 8 16, 56। ये था 4 into 8 plus 8 plus, ये था 1 into 8 plus 8, क्वेश्चन। अ मैन सेज टू हिज सन, एक आदमी अपने बेटे से कहता है, सेवन इयर्स अगो, पहले आई वॉज सेवन टाइम्स, आई वॉज फादर है, सन है सेवन टाइम्स, सन अगर वन एक्स तो फादर सेवन एक्स। A man says to his son, seven years ago, ये अगो वाला है, और मैंने क्या बोला पहला काम प्रेजेंट बनाओ, तो ये सात वर्ष पहले, सात एक्स है तो प्रेजेंट में प्लस सेवन, यहां भी प्लस सेवन, दोनों को सर्किल कर दो क्योंकि मैंने इसको वर्तमान बना दिया। तीन वर्ष बाद प्लस थ्री, यहां भी प्लस थ्री, तीन गुनी रह जाएगी, बड़ा के सामने बड़ा छोटा के सामने छोटा हो गया। यस सर, 42 12। जी सर, एक्स क्या आया सर? एक्स 5। तो फादर का 7 इंटू 5 प्लस 7 यानी 42, और ये 1 इंटू 5 प्लस 7 12। वर्तमान ही पूछ रहा है तो 42 और 12 ही होगा, यानी आपका यही आंसर हो जाएगा। सबको क्लियर है? यस सर। हाँ सर। अगला क्वेश्चन 11। 10 साल पहले पिता की आयु पुत्र की तीन गुनी थी,
10 साल पहले, अब तो बहुत आसानी से हम लिखते जाएंगे, फादर सन तीन गुनी थी 1x 3x, ये 10 साल पहले था, आज प्लस 10 प्लस 10, दूसरा काम सर्किल करो और तब अगला लाइन पढ़ो, 10 साल बाद प्लस 10 प्लस 10 दो गुनी हो जाएगी 2:1, तो 7:3। यस सर। तो यहाँ पे एक्स क्या आया, एक्स इक्वल टू 20 आया और 30। Yes, तो उनके वर्तमान yes, आयु का अनुपात रेशियो पूछ रहा है, 33 × 60 10 70 और ये 70 और 20 10 30 यानी रेशियो क्या हो गया, रेशियो 7:3। क्वेश्चन नंबर 12, 5 years ago, 4 times, 5 years ago साकेत वाज 4 times आलोक, साकेत बड़ा है ध्यान रखना, आलोक 4 times, ये 1x ये 4x, लेकिन ये 5 साल पहले था, प्लस 5 करके सर्किल कर दिया, प्लस 5 करके सर्किल कर दिया, प्रेजेंट हो गया। अगला लाइन अब पढ़ेंगे, साकेत की वर्तमान, आलोक की वर्तमान आयु की 3 गुनी हो, 3 गुना हो 3/1, तो उनके वर्तमान आयु का योग x फाइंड कर लो। सर 60। x कितना आया, 4x में से 3x कट गया, x कितना आया, 10 x 10 10 आया। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वर्तमान, देख लो सर्किल करने का क्या फायदा है, कहीं कुछ नहीं लिखा, 10 × 40 = 45 और 10 × 5 = 15, 45 और 5 = 60, 15 = 60, तो ऐसे आप डायरेक्ट बना सकते हो अगर आपने लिख लिया है तो। थर्टीन, 6 वर्ष पहले जगन्नाथ 2 गुना था, 6 वर्ष पहले, तो जगन्नाथ किसका, बद्री का था, दोनों नाम है, जगन्नाथ 2 गुना था, ये 1x तो ये 2x, और ये 6 वर्ष पहले का है, प्लस 6 करके पहला काम प्रेजेंट कर लो, 24 सर। और यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात है 9:5, सोचो कितना इजी चैप्टर है, कितने टाइप के क्वेश्चन आपके सामने से गुजर रहे हैं और सबको हम लोग एक ही कॉन्सेप्ट पे लेके चले आ रहे हैं, तो दोनों की वर्तमान आयु का अंतर 24 है, ऐसे ही है 14। फिफ्टीन, 16, 17, 18, इन सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे एक बार, एकदम जीरो लेवल से यहां तक आज ही सॉल्व करना, कल नहीं या रात में नहीं, आज दिन में जब टाइम मिले उसके बाद पहले पहला काम कि जितना मैंने पढ़ा है पहले उसको सॉल्व कर लोगे, तो ये चैप्टर लगेगा कुछ है ही नहीं, बहुत इजी है और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन रहता ही है। तो हम लोग आज की क्लास को